हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है छोटी दिवाली, तो ये व्लॉग मुझे नहीं पता है कब आएगा, तो क्योंकि धनतेरस वाला भी रखा है और आज पूरे दिन इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। पूरे दिन मार्केट घूमे, 1 बजे तक घर पर काम किया, फिर पूरे दिन मार्केट घूमे। कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें दिवाली के एंड तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इलू के जैसे कुछ लाना था और ऐसे करके, फिर अभी बस दिए जलाएंगे। तैयार मैं हो गई हूँ। पहनना कुछ और था, बट पहनना कुछ और पड़ा मुझे, क्योंकि क्या है कि इलू का भी अभी मैं लुक दिखाती हूँ। मैंने एक लॉन्ग फ्रॉक ली थी, तो मैंने कहा छोटी दिवाली पे पहन लेंगे और ऐसे करके। फिर आज घर पे है ना फंक्शन हो गया बर्थडे का। भैया है एक, उनका बर्थडे है। वैसे तो उनका 1 तारीख को है, लेकिन वो रहते कहीं और हैं, तो वो दिवाली पे आए हुए, तो इसलिए उनका कर रहे हैं। तो फिर वहाँ जाना था, तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेते हैं। और साड़ी आपको पता ही है मैं हल्की फुल्की पहनती हूँ, हैवी मुझसे आजकल जरा भी नहीं पहनी जाती है। तो बस यही वाली साड़ी मैंने फटाफट से डाली, इसमें प्रेस वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब दिए जलाएंगे। इलू का लुक दिखाती है। इलू के कपड़े मैंने दिखाई नहीं, ना ही उसने दिखाए। सब बोल रहे थे शॉपिंग दिखाना, शॉपिंग दिखाना। तो इलू इधर आना, तो अभी दिखाती हूँ उसका लुक। उसका लुक गुड़ियाओं वाला कर दिया, स्कर्ट पहना है, टॉप पहना है, तो दिखाती हूँ अभी। फिर अभी बस दिए जला के हमें जाना है, सो जाएंगे। ये है इलू का लुक, अभी दिखाती हूँ पूरा। तो ये है इलू का लुक। ये टॉप लेके आई थी मैं, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। इसमें क्या है कि चमक भी है, ये देखो, ये चमचमाट भी है। ये देखो हेयर स्टाइल मैंने इसकी ऐसे कर दी है, ईयर रिंग्स इसको छोटे से पहना दिए हैं। और ये हेयर क्लिप जो है, ये हम अभी दिवाली कार्निवल गए थे, और ये जो क्या लगा कहते हैं इसको, इलू कोरियन नहीं नहीं बालों पे जो ये रबड़, हाँ स्क्रंची जो है वहाँ से लेके आए थे, क्योंकि इसमें ब्राउन ब्राउन कुछ है ना शेड, इसलिए। तो ये इसका पूरा लुक दिखाती। स्कर्ट इसने ऑनलाइन मंगवाया था, इसको ऐसा वाला चाहिए था। नीचे इसने सैंडल ही डाली है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ही चलेगी। आज ये न्यू बैली भी लेके आई। इसके लिए मैंने दूसरी गोल्डन इसके लिए पसंद की थी, लेकिन इसको कम्फर्टेबल फील नहीं हुई, तो इसने वो ली नहीं। अब सिर्फ ये एक वाइट ही लेके आई है। तो इलू का फुल लुक ये है, छोटी दिवाली का लुक। इन्होंने भी तो ये देखिए, ये हमने दिए ना, दिए कलर किए थे इलू ने। मैंने इनको डेकोरेट कर दिया, मतलब ग्लिटर लगा दिया। ये मैं अभी नहाने गई, तब तक मैं इन लोगों ने ये तेल भर दिया, बत्ती लगा दी, ठीक है। तो ये कलरफुल हमने कर लिए थे। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो हमने क्या किया, जिस दिन जो है ना, कल धनतेरस वाले दिए कलर कर दिए थे इलू ने, आज हमने ये ऐसे कर ली छोटी दिवाली वाले, कल दिवाली वाले सारे कर लेंगे कलर। आज भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की। अब शॉपिंग दिखाने का तो देखो टाइम ही नहीं है। आज इनकी छुट्टी थी ना, इसलिए। तो बस अभी पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह, इन लोगों का पटाखे भी अभी दिलाने वो रह गए थोड़े बहुत ही। तो चलो करते हैं ये सब। तो मैं पहनने वाली हूँ मेरी ये न्यू वाली चप्पल, मुझे ये बड़ी पसंद आई थी दिवाली कार्निवल में, तो मैंने ये ले ली थी। और कम्फर्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, तो हालांकि इसमें गोल्डन टाइप की है, या तो मोजड़ी चलेगी या कुछ, लेकिन मुझे तो इनको पहनने का मन हो रहा है, तो मैं ये पहन लेती हूँ। और इतना कुछ शॉपिंग और करके आए, तो ये देखो सारे घर की हालत वापस से ये हो गई। कल मैंने सारा सेट किया था और ये हो गई है। ये देखो ये रहा गिफ्ट। गिफ्ट इन्होंने भैया की फोटोज निकाल के FB से ऐसे करके कुछ कप बनवा लिया है। तो बस यहाँ पे पूजा कर ली थी और फिर दिए जलाए, और बस इलू वेट ही कर रही थी कि कब पूजा हो, दिए जले, तो मैं थोड़ा सा फूलझड़ी और अनार और चलाऊं, तो अच्छा लगता है बच्चों को, ये सब अच्छा लगता है। हम भी बचपन में क्या वेट करते थे, जैसे ही दिवाली की पूजा और सब कुछ हो, फटाफट से हम अपने पटाखे छोड़ें।
तो बस वो वेट ही कर रही थी, तो दिए भी ये थोड़े से लगाए, फिर उसने एक दो ही छोड़े इत्मीनान से, क्योंकि नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि हर दिवाली ना हर साल ही कुछ ना कुछ, जैसे कोई बर्थडे आ गया या कुछ ऐसे कर लिया, तो फिर वो इत्मीनान से घर पे उतना इत्मीनान से नहीं बन पाती है दिवाली। तो फिर इनू को भी लगता है कि मम्मी इत्मीनान से कैसे छोड़ूँ मैं, तो फिर अगली दिवाली के नेक्स्ट डे ना बिल्कुल फ्री था, तब मैंने उसको इत्मीनान से करवाया कि आराम से छोड़ो, और घर के कपड़ों में भी जो पटाखे छोड़ने का मज़ा है ना वो हैवी कपड़ों में नहीं आता है। तो फिर मैंने और इलू ने इनके आने से पहले भी छोड़े दिवाली के नेक्स्ट डे, और इनके आने के बाद भी हमने छोड़े पटाखे, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो बच गए थे, यूज़ ही नहीं आए थे उतने, तो बस फिर निकल गए थे और वहाँ पे गए, खाना वाना खाया थोड़ा सा, जैसे कि खाने वाने के बाद आजकल जैसे गाना कर लिया और ये कर लिया, वो सब हुआ था। बाकी आज के दिन पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है सुबह से मार्केट में पूरा आप लोगों को अधिकतर दिखाई चुकी थी, तो मैंने कहा क्या वो मार्केट ही मार्केट शूट करूँ, क्योंकि पूरे दिन ही हमारा शॉपिंग में गया, एक डेढ़ बजे तक मैंने काम किया, फिर मार्केट निकले, फिर चीज़ें लाए, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ना कहीं छोटी मोटी बच गई थी, तो दिवाली के एंड तक ये लेने गए थे, और दिवाली के एंड तक शॉपिंग होती ही रहती है, इसीलिए तो मार्केट खुले रहते हैं दिवाली पे, क्योंकि कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो बस शाम से मैंने थोड़ा शूट किया था, तो इसी में दिवाली का व्लॉग भी मैंने सोचा इसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि फिर दो दो ये तो छोटा सा ही था, थोड़ा सा ही शूट किया था, तो मैंने कहा दिवाली वाला भी यहीं पर ऐड कर देंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग घर भी गए थे, और ये तो सॉन्ग वॉन्ग का मैं उतना नहीं डाल रही हूँ देखो, क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, 2 मिनट में आता है, आना होता है तो 2 मिनट में आ जाता है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत होती है कि बस इतने सेकंड का ही सॉन्ग जाए, 15 सेकंड का ही जाए, 20 का ही जाए, 30 का ही जाए, उससे ज़्यादा चला गया तो कॉपीराइट आ जाता है, फिर वो दिक्कत हो जाती है। ये दिवाली की सुबह थी, तो यहाँ पे बस ये तो जा रहे थे, इनको तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती है, वो भी संडे था, छोटी दिवाली वाले दिन भी, तो इनकी छुट्टी हो गई थी क्योंकि वीकली ऑफ होता है इनका संडे वाले दिन, वरना तो ये दिवाली होली राखी कुछ भी में भी छुट्टी नहीं होती है इनकी। तो फिर मुझे तो वो त्यौहार त्यौहार वैसे लगता नहीं है, क्योंकि ये तो ऑफिस सुबह से जाते, तो वो मुझे वही 5 बजे उठना है, मुझे वही टिफ़िन बनाना है, मुझे सब करना है। लेकिन हाँ, आज इन्होंने बोला था, मैंने इनको बोला कि अभी तो तुम दिवाली की नमकीन और ले जाओ, पोहा वगैरह ले जाओ, घर आके अपन साथ में खाएंगे, दिवाली वाले दिन तो कम से कम साथ में खाएं। तो मैंने कहा मैं पीली रसोई बनाऊंगी, दाल चावल लपसी, तो ये तो बस सफाई वफाई की थी, लेकिन मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई ना दिवाली वाले दिन, तो मैंने कितना मुश्किल से किया है ये सफाई वगैरह भी, मैंने कितनी मुश्किल से खाना भी बनाया, क्योंकि ये ज़रूरी था। इन्होंने कहा मम्मी इस बार आपने इस कमरे को तो कुछ लगाया ही नहीं, वो जो दरी कालीन और है, तो वो भी मैंने इसलिए इलू की वजह से की। और लक्ष्मी जी के स्वागत होता है मेन, ये जो घर सजाना और होता है लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए होता है, और तो किसके लिए, तो वही फिर ये सारा किया मैंने, और बड़ी मुश्किल से मैंने दाल चावल चढ़ाए, लपसी मुझसे नहीं बनी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, गोली लेके तो मैंने किया काम, और फिर गोली की इतनी गैल आई कि मैं जो सोई ना, पता नहीं कितने बजे मैं सोई थी, जिसकी मैं 3:30 या 4 बजे ये आए ना तभी उठी, फिर उठ के खाना वाना खाया, दाल चावल ही थे तो वही खाया मेरे साथ, फिर इलू भी सो गई, इलू को मैंने कह दिया इलू दिए कलर कर लेना तू, तो और फिर उसने सिर्फ कलर कलर किए, डेकोरेट फिर मैंने उठ के किए। और ये देखो घर पे जो भी बॉटल और हो ना उससे हम ऐसे कर सकते, बीच में ही आप लोगों को ये चीज़ और बता देती हूँ मैं, तो एक इलू की बॉटल थी जो कि वो यूज़ ही नहीं ले रही थी, तो मैंने उसको इस तरीके से यूज़ ले लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बस फिर इलू के बेड पे भी जो पास आसपास से जो मुझे मिला था छोटी वाली दिवाली वाले दिन, वही बेडशीट मैंने लगा दिया था, वहाँ पे सीकर हाउस और जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे नहीं जाना हुआ था, ऑनलाइन मैंने कुछ किया ही, बहुत सोचा लेकिन मैं नहीं कर पाई, पता नहीं क्या चीज़ अटकी, देखो करना कुछ भी नहीं था, थोड़ा थोड़ा करना था, और नहीं करते भी काफ़ी कुछ कर ही लिया, और इसलिए भी कर लिया कि बच्चे का शगुन होता है, घर का शगुन होता है, और अगली दिवाली पता नहीं कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, तो जो है जो दिन है उसको थोड़ा बहुत खुशी से मनाओ, मन में तो बड़ा दुख है जो कि दुख कम ही नहीं हो रहा है, वो सॉन्ग है ना मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं, तो ऐसे ही जितनी सांसें मैं ले रही हूँ उस हर सांस के साथ मेरे दुख है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबा के हर चीज़ करनी पड़ रही है, और करेंगे, जिंदगी है जीना है, तो किसी ना किसी तरीके से तो ज़िंदगी को काटेंगे ना जिएंगे, इसलिए फिर शाम ही उठी थी ये अपने चले गए थे पूजा का सामान और लेने के लिए, मैंने खाने में लग गई थी मैं, तो
खाने बनाने में लगी, पूड़ी बनानी थी, दही बड़े बनाने थे, लेकिन इस टाइम पे भी मेरी इतनी ख़राब थी कि मैं बड़ी मुश्किल से दूसरी गोली लेके मैंने खाना बनाया, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मुझसे, फिर भी मैंने बनाया। इलू से बोला कि फटाफट शूट कर दे, क्योंकि आज मैंने कुछ शूट ही नहीं किया दिवाली वाले दिन। तो फिर उसने जितना शूट किया किया, फिर कोई दवाई का कोई जब असर होगा तब जाके और ठीक होगी तबीयत। तो इतना एग्जर्शन हो जाता है ना दिवाली तक, इतना मेरा काम रहता है, साथ में पीआर वीडियोस का भी काम रहता है। तो अभी मैंने बिल्कुल छोड़ी थी, लास्ट कौन सी पीआर वीडियो की होगी मैंने, फिर मैंने अभी छोड़ दी। मैंने कहा दिवाली के जो भी अगर कोई काम आएगा तो अब दिवाली के बाद ही करूँगी, दिवाली से पहले तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। तो अभी 2-3 वीडियोज़ का काम और रखा है, वो करना था। ये देखिए पनीर के लिए ग्रेवी बनानी थी, टमाटर भी थी नहीं थी मेरे पास, तो इतनी सी ग्रेवी बनी। दही बड़े मैंने बना लिए थे आधे के, वो ऐसे वाले बड़े बना लिए थे, और दही नहीं था घर पे। मैंने इनको बोला था लेकिन ये दही लाना ही भूल गए। पूड़ी का आटा मैंने लगा दिया था, मैंने सोचा ये ले आएंगे, लेकिन ये दही लाना भूले। फिर रात जाके 10-10:30 बजे कोई ये पता नहीं कितने बजे लाए, मैंने सोचा था मिलेगा भी कि नहीं, तो दही बड़े तो अगले दिन ही खाने पड़ेंगे। फिर इनको ही दुकान खुली मिल गई, तो 9:30-10 बजे लाए होंगे दही, फिर खाना खाया। तो ये देखो इतना अंधेरा हो गया था, ना रंगोली बनी थी ना पूजा सजी थी, क्योंकि बस इनका ही वेट कर रही थी कि ये तोरण वगैरह लाएंगे तो फिर मैं सजाऊं, माला वाला लाएं तो। लेकिन फिर फूल भी नहीं मिले, मैंने सोचा था फूल की रंगोली बना ली। सुबह तो तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर कोई रंगोली मैंने नहीं बनाई, वरना मैं फैब्रिक कलर औरों की बना देती हूँ। और चिपकाने वाली इस बार मैं लाई नहीं थी, पैर वैर भी मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया क्योंकि हो गई तबीयत ख़राब, तो अब क्या कर सकते हैं, तो फिर नहीं हो पाया। तो बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, फिर ये आए तो मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया मंदिर को, जो था उसी में कर दिया। फिर ये एक दो ये बंधनवार ये क्या कहते हैं इनको तोरण, और वो ले आए थे उसी से कर दिया। एक आर्टिफिशियल माला थी, 2 वैसी वाली माला इनको मिली थी, फूल मिले ही नहीं, फूल पत्तियाँ, और जिससे कि मैं रंगोली बना देती। मैं उसी बुलावे पर रह गई कि चलो मिल जाएंगे तो मैं बना लूँगी। फिर मैंने ऐसे ही जो रेडीमेड लाई थी रंगोली छोटी छोटी, वो ही लगा दी ऐसे करके, बस खुद भी ऐसे ही थोड़ा सा ही तैयार हुई थी। बाल धोए थे शाम मैंने, तो सूखे भी नहीं थे, और हम लोग तैयार भी प्रॉपर नहीं हो पाए। हमने सोचा था रील वगैरह भी बनाएंगे, सब करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाया, बीच में ही तबीयत ख़राब हो गई। और जो दिए वगैरह मैंने बनाए थे ना बहुत पहले, वो ही मैं लगाना भूल गई, सब कुछ लगाना भूल गई मैं। क्योंकि जब इंसान ठीक होता है तब तो सब कर लेता है, लेकिन तबीयत ख़राब हो तो माइंड कुछ चलता ही नहीं। जितना चला उतने में मैंने कर दिया ये जितना हो पाया, तो बस ऐसे करके थोड़ी बहुत कर ली थी। भगवान वैसे भी भावना श्रद्धा के भूखे होते हैं, पूजा कर लेते हैं जैसे भी हमें आती है, भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ, भगवान भूल चुको तो माफ़ करना और पूजा को स्वीकार करना, गलती माफ़ कर देना, बस भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और तो क्या। तो बस इस तरीके से मैंने कर दिया था थोड़ा बहुत, और फिर पूजा कर ली थी। फिर कोई दवाई का असर हुआ तब जाके थोड़े बहुत बाहर गई, थोड़े पटाखे, और पटाखों से मुझे वैसे ही डर लगता है, थोड़ा बहुत ही करती हूँ मैं, फूल जड़ी चला ली या एक अनार चला दिया ऐसे करके। फिर दिवाली के नेक्स्ट डे ज़रूर मैंने इलू के साथ कर ली, क्योंकि फिर इसके पापा तो रहते नहीं तो फिर अकेले इलू करती नहीं, तो फिर उसके साथ देने के लिए मैंने सब कर लिया दिवाली के नेक्स्ट डे इसके साथ इत्मीनान से। तो बस यहाँ पे पूजा कर ली थी हमने, फिर बस बाहर जाके दिए जला के पटाखे छोड़ेंगे थोड़े बहुत।
ये इधर उधर फैलेंगी, फिर करो जल्दी जला लो इसमें। फुलझड़ी है ये कैसी जल रही है, ये कैसे जल रही है, ये कैसी जल रही है फुलझड़ी? अच्छा ये अलग है। इसमें वो डिफरेंस है हरी और ग्रीन लाल में। अच्छा ये ग्रीन है, ये ग्रीन वैसी है ग्रीन। इलो तू भी आ जा बेटा। लाल वाली लाल में से लेना, हरी में से नहीं। तेरा कान ध्यान नहीं तू क्या है? तो ग्रीन वाली है, फेस तो आ ही नहीं रहा है। बस बाद में ये दही लेके आए तब जाके खाया खाना, और बस फिर इलू बोली कि मम्मी चलो लाइटिंग दिखाने, फिर थोड़ा बहुत गए, फिर घर वाले सब लोग आ गए थे दिवाली वाले दिन ही, और बस फिर कुछ भी शूट नहीं किया, दिवाली अच्छे से बन गई। और ये रंगोली तो मैंने दिखाई नहीं, देखो आर्टिफिशियल फूल से ही फिर मैंने बना दी थी, और ये रेडीमेड जो लाई थी छोटी थी उसको ही करके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।